हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे आपको पता है, दिवाली आने वाली है, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो इसीलिए हमने अपने घर में अब पेंटिंग का काम शुरू करा दिया है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि घर में क्या हाल हो गया है। ये वीडियो काफ़ी काफ़ी दिन में बनेगी, तो हो सकता है कि आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, कल जब सफ़ेदी हो जाएगी पूरे मैं आपको दिखाऊंगा उस कमरों का क्या हाल है, और फिर मैं आगे इसे एज अ सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि घर में कमरों का अभी पहले दिन में क्या क्या हाल हुआ है और हमने क्या क्या यहाँ पर हम करा रहे हैं। तो ये है एक कमरा जिसका हाल आप देख रहे हैं कि कैसा हो गया। पीछे वो लकड़ी का था सारा, जो हमने हटा दिया। अब वहाँ पर पूरा पुताई का काम हो चुका है, अब काफ़ी हद तक वो वहाँ पे ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे कल मोस्ट प्रॉब्ली ये सूख जाएगा तो सफ़ेदी का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी दीमक लगी हुई थी, तो वो दीमक हटाइए। दीमक के निशान आप देख पा रहे होंगे अभी भी हैं यहाँ पे। तो ये तो कमरा बिल्कुल ही, आप देख रहे हो क्या हाल हो गया इस कमरे का, कितना बुरा हाल हो गया। मतलब जब भी अपना पुताई उताई का काम शुरू करवाओ तो ऐसा हाल हो जाता है, पूरा ही बेकार। सारी कुछ चीज़ें हमें हटानी पड़ी है यहाँ पे। ऐसा हो गया कि जैसे हम पहले कभी नया घर बनवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे सारा कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। यहाँ उनका पेंटिंग का सामान भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है, चीज़ें रखी हुई हैं। और साथ में मैंने दूसरा बेडरूम भी करवा दिया शुरू, और दूसरे बेडरूम में भी सेम हाल था। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दीमक लगी हुई थी, वो सारी लकड़ी हटवा के उसको दोबारा से पुताई करवा गया। अब यहाँ पे सफ़ेदी होगी, और जब सफ़ेदी होगी, अभी ग्रीन कलर है, तब यहाँ पे दूसरा कलर आ जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के। जब ये कलर शुरू हो जाएगा तब हम इसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कलर होने के बाद कमरा कैसा लगता है। तो अभी तक मैंने आपको दिखाया था कि कैसा हाल था कमरे का, और अब कमरे का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको बेड का दिखा देता हूँ। सामान अब भी काफ़ी सारा रखा हुआ, पर दीवारों की स्थिति आपको वहाँ पर नज़र आता है, दीमक वगैरह थी, तो वो काफ़ी हद तक अब उसको क्लीन कर दिया गया है। वहाँ पर पेंटिंग का काम चल रहा है, ट्यूबलाइट को ऐसे लटका दिया गया है ऊपर नीचे, और यहाँ पर पेंट होगा। उसके बाद इसको एडजस्ट करके पूरा फिर से यहाँ पर पूरा ढंग से कर देगा। अलमारी सरका दी गई है, और ऊपर की साइड भी आप सीलिंग को दिखाऊं तो सीलिंग में भी काफ़ी कुछ हद तक यहाँ पे वाइट पेंट कर दिया गया है। ये दीवार ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है। तो ये है एक कमरे का हाल। अभी मैं आपको दूसरे कमरे में भी जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या एक्चुअल में हाल है। और ये दूसरे कमरे का हाल, इसका हाल भी बिल्कुल ऐसा हो चुका है। बेड पे भी काफ़ी सारा सामान अब यहाँ पे रखा जा चुका है। और दीवार की बात करूँ, कल सिर्फ ये वाली दीवार हुई थी जो मैंने आपको दिखाई थी बताई, कि अब सारी दीवार कर दी गई है। जो पीछे टेक्स्चर था ग्रीन वाला पूरा हटा दिया, अब उसको प्लेन करके यहाँ पर बिल्कुल नया कलर होगा। ऊपर से एक ये वाली लाइट भी अब यहाँ पे लटकनी शुरू हो गई, जो कि पहले नहीं लटक रही थी। सीढ़ी रखी हुई है, इस दीवार पे भी काम होगा। ये वाली दीवार अभी भी साफ़ है, इस पर कुछ नहीं हुआ है, बस छोटे मोटे यहाँ पे उन्होंने काम किया गया है, जैसे कि ये वाला फिल वगैरह कर दिया, और यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। और सामान मैं आपको दिखा दूँ, सामान ऐसे पूरे कमरे में बिखेर दिया गया है, रखा हुआ है। ये AC का ये यहाँ पर इन्होंने ये वोल्टास का जो है उतार दिया गया है, वोल्टेज रेगुलेटर उतार दिया गया है। पर्दे हटे हुए हैं, कमरा बिखरा हुआ है। तो ऐसा कुछ लुक आता है जब आप पेंट करवाते हो। छत पे मैं फिर भी कहूँगा कि काफ़ी हद तक ढंग से काम हो चुका है, लाइटें वगैरह ढक के यहाँ पे काम हो रहा है। तो अभी चलने देते हैं काम, अभी फाइनल जब इसका लुक हो जाएगा तभी मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगा, और फिर नेक्स्ट जब दूसरे कमरों में शुरू हुआ काम तब उसको मैं आगे बिगेन करूँगा। तो हम अब तीसरा दिन और कमरे में अपने आ चुके हैं। आप देख रहे हैं पीछे पेंट वगैरह हो चुका है। मैं अभी आपको पूरे कमरे के दोनों कमरों का दिखाता हूँ कि कितना पेंट हो चुका है और कितना हमें मतलब टाइम लगा है। ऑलमोस्ट माने 72 आवर्स हो चुके हैं, और हमें यहाँ पे तीन दिन इस कमरे में हम सो ही नहीं पा रहे हैं। आज भी काफ़ी बदबू आ रही, तो मैं वीडियो बनाने के लिए बस इस कमरे में आया हूँ। अभी मैं आपको पूरे कमरे के दर्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है अभी। और ये वही कमरा है जो कि कल काफ़ी हद तक गंदा था। आप देखिए दीवारें बिल्कुल साफ़ हो गई है, येलोइश हमने करवाया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी टचिस फीलिंग ढंगी, वो हम बाद में करा देंगे। और यहाँ पे माता जी सफाई करते हुए पूरा ऊपर भी छत को मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये वाली वॉल भी अच्छी तरह से बिल्कुल ही ठीक ठाक हो गई है। और अभी मैं आपको दूसरे कमरे में जाकर दिखाता हूँ। और ये दूसरा कमरा जो देख रहे हो आप, कल वाली ये वाली दीवार कैसी होगी, तभी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरी होगी। अब हमने यहाँ पर ग्रीन हटा के, अब आप देख पा रहे हैं पिंक करा दिया है, इसे मैं कहूँगा बेबी पिंक कलर जो हमने करा दिया। इससे कमरा काफ़ी क्लीन है, नीट नज़र आ रहा होगा आपको। अभी हम यहाँ पे सामान रखेंगे, कोने में सामान रखेंगे, ये AC वाला स्टेबलाइजर भी वापस लगाएंगे, तो थोड़ा ठीक ठाक फील होगा। बाकी हमने छत पे भी ग्रीन कलर हटा के अब इसको करवा दिया है पिंक, और यहाँ पे भी देख रहे हो आप पिंक कलर सारा हो गया, मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया है कमरा, काफ़ी अब अच्छा लग रहा है, साफ़ लग रहा है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि पेंट में जैसे मुझे वहाँ पर नज़र आ रहा था, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है चीज़ें, तो यहाँ पर काफ़ी क्लीन हद तक पेंट किया गया है। तो इस वाली श्रृंखला को हम यही बंद करते हैं। अब जब कल आगे कमरे में शुरू होगा तब मैं आगे से कंटिन्यू करूंगा ब्लॉग को। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।